Hello students, today we are going to start future continuous tense. It is second tense in future series. Before that we had done future indefinite tense, and after that we are going to do future continuous tense. We use will be, shall be, first form ing is in this tense. We use this tense for future action which will be continue for some time. Asi ye tense kad use karde ha kise future tense de layi. कोई एहोजी क्रिया जिहड़ी आने वाले समय के कुछ समय के लिए कॉन्टीन्यू होगी, लगातार चल रही होगी. फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टमोरो मॉर्निंग. वह कल सवेरे क्रिकेट खेड रहा होगा. इस तो की पता लग रहा है कि आने वाले समय के कोई काम कॉन्टीन्यू चल रहा होगा कुछ समय के लिए. की यूज किया असी विल बी, तुसी शैल भी लगा सकते हो जेकर आई जां वी सबजैक्ट है साडा, तां असीं की लगावांगे शैल भी. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टमोरो मॉर्निंग. एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटे, जो बी है यह वर्ब फॉर्म के मूहरे ही आना चाहिए, फिर तुहाडा टेंस ठीक होगा. शी विल बी स्टेइंग देयर. वह उत्थे रुकी हुई होगी, आने वाले समय के कोई काम कॉन्टीन्यू चल रहा होगा. आई शैल बी वॉचिंग फिल्म टमोरो. मैं कल नू फिल्म देख रहा होवांगा, आने वाले समय दे विच कॉन्टीन्यू चल रहा होगा. वी कैन यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब सम फिक्स प्लैन इन फ्यूचर. साडा कोई फिक्स प्लैन है फ्यूचर दे विच, असी कोई योजना बनाई है फ्यूचर दे विच, उस दे लई भी की असी इस टेंस नू यूज कर लैने. फॉर एग्जाम्पल, मनीषा विल बी मीटिंग मी टमोरो. मनीषा मैनू कल मिलेगी. इस तो मिलेगी ही कहांगे मिल रही होवेगी. मीन जब फ्यूचर कॉन्टीन्यूज कह दे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूज असी कह दईए, ये काम चल रहा होगा कुछ समय के लिए, वो मीटिंग लगातार चलेगी. तो की कह दिता, मनीषा विल बी मीटिंग मी टमोरो, मैनू कल मिलेगी. युवराज विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे. युवराज उत्थे रुकिया होया होगा फ्राइडे तक. आने वाले समय के काम कॉन्टीन्यू चल रहा होगा, फ्राइडे तक उत्थे रुकिया होया होगा. आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस वीक. मैं ये काम इस वीक के अंत तक कर रहा होवांगा. आने वाले समय के ये काम लगातार चल रहा होगा ना, फ्यूचर कॉन्टीन्यू किसी निर्धारित समय तक. टिल द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के एंड तक मैं ये काम लगातार कर रहा होवांगा. राम विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामीनेशन नैक्सट वीक. राम अपने इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा होगा अगले हफ्ते. आने वाले समय के लगातार चल रहा होगा. ये देखो बेटे, बी जो वर्ड है बी, ये हमेशा ही की है वर्ब फॉर्म के अगे आया होया, इसका तुसी ध्यान रखना. री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसिस आफ्टर चेंजिंग द टेंस इन टू फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. हुण ये कुछ सेंटेंस दिते हुए हैं, इन्हों तुसी की करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के विच कन्वर्ट करना है. किसी भी टेंस के विच दिता होए तुसी सिर्फ अपने मन में की रखना है कि असी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के विच की यूज करते हैं, उही तुसी इस दे विच यूज कर देना. आई बोर्डर अ ट्रेन. हुण तुसी की करोगे, आई शैल बी बोर्डिंग अ ट्रेन. फस्ट फॉर्म करके उसके आई एन जी लगा देनी है. उसके अगे की आ जाएगा, आई साडा सबजैक्ट आई सी, तो असं की लगा दिता शैल लगा दिता. आई शैल बी बोर्डिंग आ ट्रेन. शी विल बी प्लेइंग ऑन द हारमोनीयम. द पीएन विल बी रिंगिंग द बैल. हरी विल बी बाइंग. बाय फस्ट फॉर्म है, उसके आई एन जी लगा दी. हरी विल बी बाइंग दिस वॉच फ्रॉम दिस शॉप. They will be reading newspapers. We will be playing football. Mamta will be cooking the dinner. She will be singing a beautiful song. The children will be eating. First form karange, ing laga denge. Eating a chocolate ice cream. We will be collecting stamps. इस तरह बेटे ध्यान रखना है, किसी भी टेंस विच तुहानू दिता होया हो सकता है, उस विच लगदा की है, तुसी सिर्फ यही ध्यान रखना है. जिस भी टेंस दे विच कन्वर्ट करन नू तुहानू कहण, सब तो पहला तुसी उस टेंस की एक फीलिंग समझनी है कि वह की कह रहा है, सेंस समझनी है कि जब आने वाले समय दे विच कोई काम कॉन्टीन्यू चल रहा होवेगा. ये जब शो हो रहा है तो की लगावांगे, विल बी, शैल बी,
फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी जां साडा कोई फिक्सड प्लान है उसके लिए भी असीं की लगा दिंदे आ फ्यूचर कॉन्टीन्यू यूज़ कर लैंदे होर कितें यूज़ करदे आ टू कन्वर्ट दिस टेंस इन टू नैगेटिव चलो नैगेटिव तुहानू दस रहे हैं कि इस टेंस नू इस तो पहले आपां सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म उसकी की है नैगेटिव किस तरह का लगता है उसके की यूज़ करते हैं असी नैगेटिव दे विच अते इंटरोगेटिव विच कन्वर्ट करने के लिए असी की यूज़ करते हैं इस वल ध्यान दिओ टू कन्वर्ट दिस टेंस इन टू नैगेटिव वी यूज नॉट विद हैल्पिंग वर्ब जो भी तुहाडा विल दिता होया ना विल बी शैल बी दिता होया उस दे नाल की है विल या शैल दिता होया उस दे नाल नॉट यूज करांगे नैगेटिव विच कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट दिस टेंस इन टू नैगेटिव वी यूज नॉट विद हैल्पिंग वर्ब एंड बी कम्स बिफोर मेन वर्ब इस गल वल ध्यान देना मैं पहला भी तुहानू दस्या सी कि बी हमेशा मेन वर्ब के मूहरे ही रहेगा जो भी तुहाडा विल या शैल जो सबजैक्ट तो बाद विच आया होया उस दे नाल ही नॉट लगेगा क्लीयर जिस तरह आप कह दीए इस जेकर आप कन्वर्ट करिए जो उपर टेंस दिता हो संटेंस एक दिता है इसनों एक फ्यूचर कॉन्टीन्यूस नैगेटिव विच कन्वर्ट करिए किस तरह करा वी शैल नॉट बी कोलैक्टिंग स्टैंप्स चलो टू कन्वर्ट दिस टेंस इन टू इंटरोगेटिव इस टेंस में इंटरोगेटिव विच कन्वर्ट करने के लिए असं की करते हैं विल या शैल जो है कम्स बिफोर सबजैक्ट सबजैक्ट के अगे आ जाएगा विल या शैल एंड बी कम्स बिफोर मेन वर्ब अते जो बी है वह मेन वर्ब के सामने ही रहेगी अगे होर एग्जाम्पल इस तरह दित्तियां हुई हैं देख लो कि सिंपल सेंटेंस किस तरह का होंदा नैगेटिव किस तरह होंदा अते इंटरोगेटिव किस तरह होंदा सिंपल सेंटेंस दे विच की करांगे मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमोरो इसनू जद असीं की करांगे नैगेटिव विच कन्वर्ट कर रहे हैं मनीषा विल नॉट बी मीटिंग मी टुमोरो हुण वेखो बेटे नॉट कित्थे लगाया हैल्पिंग वर्ब दे नाल नॉट लग जाएगा अते बी हमेशा वर्ब फॉर्म दे अगे ही रहेगा इंटरोगेटिव विच विल कित्थे आ जाएगा जां विल जां शैल जो भी हैल्पिंग वर्ब है वह सबजैक्ट दे अगे आ जाएगा विल मनीषा बी मीटिंग मी टुमोरो की मनीषा मैनू कल नू मिल रही होगी यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एंड आफ्टर दैट वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके एंड आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट विल यूर टेंस लास्ट टेंस विल बी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस वेरी वेल थैंक्स